लास्ट क्लासेस के अंदर इम्प्रूवमेंट सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसमें हमने लगभग 4 या 5 साल के कंटेंस कवर किए हैं। जो रिमेन सेंटेंस बचे हैं वो नेक्स्ट टाइम में होंगे, लेकिन अब जो आने वाली 2-3 दिन के बाद जो क्लास होगी आपकी, उसमें स्पॉटिंग द एरर्स लगभग 125 या 150 सेंटेंस हैं, कई साल के उसमें इन्वॉल्व कर लिए हैं, बना लिया है टेस्ट। वो आपको लगभग 1-2 दिन में मिल जाएगा। जब मिल जाएगा उसके बाद ही उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतने वर्बल फ्रेज करें, और घर पर आपको करना क्या है, घर पर जो रूल ग्रामर के हैं उसको रिवाइज करें। जब ही स्पॉटिंग द एरर्स में आपको समझ में आएगा, जैसे इम्प्रूवमेंट में समझ में आया, कुछ ही रूल को लेकर उन्होंने बनाया। चलो अभी करते हैं स्टार्ट। तो पहला वर्ड है आपका, आज का जो पहला वर्ड है वर्बल फ्रेज का, गिव ऑफ। देखो अभी पुट ऑफ आया था, तो वर्बल फ्रेज भी आती हैं, कम आती हैं, मेनली इडियम ज़्यादा आते हैं, लेकिन कहीं भी इम्प्रूवमेंट में दे दे, कहीं स्पॉटिंग द एरर्स में दे दे, ठीक है, तो वो हमें याद रखना है। तो गिव ऑफ का मतलब होता है, ये वाला वर्ड याद रखना है आपको, आगे वाला एमिट करना। एमिट का मतलब होता है निकालना, एमिट मीन्स निकालना। गिव ऑफ, कोई चीज एमिट करना, वॉमिट भी कह सकते हैं, वॉमिटिंग करना, उल्टी करना। तो जैसे ये द फायर गेव ऑफ ए डेंस स्मोक, जो फायर है, आग है, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव हो सकती है, होती है, और थर्ड फॉर्म गिवन, गेव ऑफ स्मोक द फायर। जैसे हम कहें द फायर गेव ऑफ स्मोक, क्लियर। आग में से क्या निकला भैया, धुआं निकला, एमिट। जैसे हमें वॉमिटिंग होती है, अंदर से चीज निकलती है, ऐसे ही इसको गिव ऑफ, क्लियर। तो गिव ऑफ, जितने ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी आपके, उतने ही वहां पर कोई भी वर्ड छूटेगा नहीं आपका, कोई भी वर्ड, ठीक है। बस आप ध्यान रखते रहें, ये जो मैं बेसिक वर्ड कंप्लीट करने के बाद idioms के, ये नहीं कि ये आए हुए नहीं है, कई कई बार आए हुए हैं, उसके बाद आपके जो SP बक्से साहब की बुक हैं उसके सारे idioms वैसे आपके हो भी चुके हैं, लेकिन कुछ अलग से जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन सबको एक क्लास में, लेक क्लास से मतलब एक उसमें यूनिट में डाल देंगे और आपको करा देंगे। नेक्स्ट आइए, सेकेंड वर्ड ये आपका पहले आ भी चुका है, गिव अप। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, लीव करना, और एक वर्ड और होता है सीज। सीज का मतलब किसी को काम को करने से मना कर देना, बंद कर देना, ठीक है। तो गिव अप खासकर बैड हैबिट्स के लिए आता है, बैड हैबिट्स में आता है। और भी वर्ड है, रिनाउंस भी है इसका, रेलिनक्विस भी है, रेलिनक्विस QUISH, ये सब छोड़ने के लिए है, त्याग करने के लिए है। सीज, लीव, ये बहुत ज्यादा, सीज का मतलब होता है बंद कर देना। द इंजन सीज्ड, इसका मतलब इंजन बंद हो गया, सीज्ड वर्किंग, स्टॉप वर्किंग। और आपने जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लें, ही गेव अप स्मोकिंग, जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उसके लिए बहुत यूज होता है, ही गेव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी, ड्रिंकिंग छोड़ दी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ भी चीज़ें, तो वो यहाँ पर आ जाएगी, क्लियर। तो ये हो गया आपका छोड़ना, त्यागना, और कोसेस फॉर एवर, हमेशा के लिए चीज़ें वो त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड, तीसरा वर्ड, थर्ड, गो बाय। गो के साथ बाय, हाँ भाई, बीतना, गुजरना, पास, पास बाय कहते हैं, जैसे पास बाय, नजदीक से होकर गुजरना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये जैसे इसमें लिखा है, हार्ड डेज विल गो बाय वन बाय बाय वन, हार्ड डेज, कठिन दिन विल गो बाय, गो बाय, निकल जाएंगे, गुजर जाएंगे, पास हो जाएंगे। और ही गोज बाय माई हाउस,
ही गोज बाय उस सेंस में भी हम कहते हैं। अच्छा, गो बाय किसी के नियम को फॉलो करना भी होता है, फॉलो द रूल्स भी आता है, फॉलो द रूल्स के लिए भी आता है। गो बाय द गाइडलाइंस, नियमों को फॉलो करो, गो बाय द गाइडलाइंस। और गो बाय द गाइडलाइंस के लिए फॉलो द रूल्स भी आता है, और एक आपको ध्यान होगा प्रीपोजिशन में कराया होगा, कॉम्प्लाई विद, ठीक। और एक और बताया था आपको अबाइड बाय, गो बाय, अबाइड बाय, कॉम्प्लाई विद। तो इसका मतलब गो बाय के दो मीनिंग हो गए, चीजें गुजर जाएंगी, हार्ड टाइम्स डिफिकल्टीज विल पास बाय, विल गो बाय, ठीक है। एक एक करके इसमें लिखा है बाय वन एक एक करके चीज़ें गुजर जाएंगी, ऐसे कह दें। लेकिन हम कहें गो बाय द इंस्ट्रक्शंस, जैसे ऑनेस्टी इज ए गुड रूल टू गो बाय, ऑनेस्टी एक अच्छा रूल है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर फॉलो द रूल्स के लिए मैंने आपको तीन वर्ड बताए, गो बाय भी सही है, अबाइड बाय भी सही है, और कॉम्प्लाई विद भी सही है, बिल्कुल सही है। तो तीन वर्ड आपके हो गए, तीन वर्ड हो गए आपके, फोर्थ वर्ड गो बाय हो गया। दोनों तरीके से बता दिया मैंने आपको गो बाय। एक होता है गो ऑफ, जो बता मैं सारे रहा हूं लेकिन जो मेन है उसको आपको टिक कर दूंगा, ठीक है। गो ऑफ का मतलब एंड इन सक्सेस, एंड इन सक्सेस, समाप्त होना, सफलता, यानी कि कोई भी चीज है इट विल गो ऑफ पीसफुली। कोई पार्टी थी अच्छी तरीके से संपन्न हो गई, मीटिंग थी अच्छी तरीके से संपन्न हो गई, क्लियर। तो यानी कि गो ऑफ पीसफुली काम हो गया, तो गो ऑफ को भाई इतना ही माने, अच्छी तरीके से बीत गया, एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से बीत गई, तो एंड इन सक्सेस इस तरीके से हम कहते हैं। फोर्थ वर्ड आपका हो गया है फिफ्थ। हाँ भाई, फिफ्थ वर्ड चेक करें, गो ऑफ हो गया, गो इनटू एग्जामिन करना, किसी चीज की जांच पड़ताल करना, एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, पुलिस वेंट, गो की सगे वेंट कर दें, पुलिस वेंट इनटू द मैटर, इनटू द केस, इनटू द मैटर, इनटू द केस, किसी भी मामले की तह तक जाना, मामले की जांच पड़ताल करना, उसको कहते हैं गो इनटू, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, और एक बात ध्यान रखना कि गो के साथ ही इनटू आता है, एग्जामिन द मैटर आता है, इन्वेस्टिगेट द मैटर आता है, इनके साथ कोई प्रीपोजिशन, लेकिन गो के साथ इनटू आता है, गो इनटू, बहुत अच्छा वर्ड था ये भी, गो इनटू। नेक्स्ट सिक्स गो थ्रू थ्रू माने होकर गुजरना, तो इसका मतलब सहन करना भी होता है और जो मैंने बताया गुजरना भी होता है, डिफिकल्टीज से होकर गुजरना, ही विल गो थ्रू द डिफिकल्टीज, ठीक। हार्डशिप से होकर गुजरना, हार्डशिप डिफिकल्टीज एक ही बात है, गो थ्रू, ठीक है। और गो थ्रू कहीं हमने रीडिंग की सेंस में भी सुना है, गो थ्रू द बुक, गो थ्रू इट, मतलब इसे इससे होकर गुजरो, इसे देख लो आप जरा इसको इस तरीके से। नेक्स्ट गो वाले वर्ड सब कंप्लीट है, एक नेक्स्ट वर्ड है, तो इसको चाहे हम फर्स्ट इसमें होल्ड लिखा हुआ है, होल्ड हेडिंग है, होल्ड इससे बना रखा है, तो इसको चाहे हम फर्स्ट वर्ड ही कह लें,
एक है होल्ड गुड, होल्ड गुड, सही साबित होना। सही साबित होना इसका मतलब कंटिन्यू टू बी ट्रू। ये बात तो सही साबित होती है, ये लोग कहते थे इस बात को, ये बात सही साबित हो, इट होल्ड्स ट्रू, इट होल्ड्स ट्रू। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टिल होल्ड्स गुड, न्यूटन के जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है स्टिल माने आज भी होल्ड्स गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कोई भी रूल, कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट जो आज भी सही है, कंटिन्यू टू बी ट्रू, उसके लिए आता है होल्ड गुड। वट एवर यू हैव सेड होल्ड गुड, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है, तो उस सेंस में हम होल्ड गुड कह देते हैं। नेक्स्ट वर्ड होल्ड का ही चल रहा है, होल्ड ऑन, किसी चीज को पकड़े रहना, होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। ठीक, द बॉय हेल्ड ऑन टू द बुश अंटिल समवन क्लाइम डाउन द क्लिफ टू रेस्क्यू हिम, पकड़े रखना। जैसे बच्चे ने जो है फोन को पकड़े रहा कुछ मिनट तक, इसमें लिखा है द बॉय हेल्ड ऑन टू द बुश, झाड़ी को पकड़े रखा जब तक कि कोई व्यक्ति नीचे आया और उसको रेस्क्यू बचाया नहीं, तो उस सेंस में होल्ड ऑन, होल्ड ऑन द मोबाइल। ठीक है, होल्ड ऑन, पकड़े रखना, किसी चीज को पकड़े रखना, होल्ड ऑन। नेक्स्ट है होल्ड आउट, होल्ड आउट, डटे रहना। डटे रहने का मतलब ऑफर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब डटे रहना। जैसे द रेबल हेल्ड आउट फॉर अबाउट ए मंथ, यानी कि जो रेबल थे, आतंकवादी थे या विद्रोही थे, होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड, थर्ड फॉर्म भी हेल्ड है, द रेबल हेल्ड आउट फॉर अ मंथ, एक महीने तक डटे रहे। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो वो भी होल्ड आउट, ठीक, डटे रहना, उसको हम इस तरीके से कहते हैं। क्लियर, ये वाला वर्ड क्लियर हो रहा होगा, थर्ड वर्ड क्लियर हो गया। फोर्थ, होल्ड ओवर, ओवर माने कहीं ना कहीं बंद करना भी होता है, पोस्टपोन, पोस्टपोन, होल्ड ओवर। पोस्टपोन के लिए एक वर्ड और भी है डेफर, डेफर मीन्स डिले, और एक पुट ऑफ तो है ही है, ये तो आपका एग्जाम में आया हुआ भी है, किसी चीज को पोस्टपोन करना। द सब्जेक्ट इज हेल्ड ओवर टिल द नेक्स्ट मीटिंग, जो सब्जेक्ट था उसको हेल्ड ओवर किया गया, रख लिया गया है, पोस्टपोन कर लिया गया है थोड़े समय के लिए, चलो इसको इतना ही रखते हैं।